हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लेबर के क्या क्या फेजेज होते हैं और क्या क्या स्टेज होते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेबर होता क्या है। तो लेबर को हम लोग दूसरे भाषा में समझें तो चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म होना। तो मेनली लेबर क्या है, तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस दैट हेल्प द सर्विक्स डायलेट, जिसे ओपन कहेंगे, एंड इफेस थिन। दिस अलाउज द फिटस टू मूव थ्रू द बर्थ कैनाल। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चेदानी है, जो यूटरस है, वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो लगातार होगा, और अभी के तुलना में जो बाद में होगा वो और ज़्यादा होगा, तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें जो सर्विक्स है वो क्या होगा कि वो फैल जाएगा और पतला हो जाएगा, यानी रास्ता जो है बच्चे को बाहर निकलने के लिए वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसके चार स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में क्या होता है कि हमारा जो यूट्रस होता है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके चलते सर्विक्स धीरे धीरे डायलेट होना स्टार्ट करेगा और जो है वो थिन होना स्टार्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि 10 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे सर्विक्स को फैलना होता है, जिसके हेल्प से क्या होगा कि बच्चा उस रास्ते बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि तीन फेज बताए गए हैं। फेज़ वन, जिसे लेटेंट फेज कहा गया है, फेज़ टू, जिसे एक्टिव फेज कहा गया है, और ट्रांजिशन फेज, जिसमें क्या होता है कि लेटेंट फेज में 3 सेंटीमीटर तक हमारा जो सर्विक्स है वो फैलेगा, एक्टिव में 4 से 7 सेंटीमीटर फैल जाएगा, और जो ट्रांजिशन होता है उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर हमारा जो सर्विक्स है वो फैल जाएगा। ये सर्विक्स अगर अच्छे से डायलेट हो जाता है, थिन हो जाता है, तो इसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जब 10 सेंटीमीटर पूरी तरीके से सर्विक्स जो है वो ओपन हो गया है, डायलेट हो गया है, तो अब क्या होगा कि बेबी जो है वो बाहर आउट होगा, ठीक है। तो इसमें बेबी जो है डिलीवर होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं कि लेबर के किस स्टेज में हमारा बेबी जो है वो डिलीवर होता है, तो सेकेंड स्टेज इसका राइट आंसर होगा। अब हमारा थर्ड स्टेज में क्या होगा कि बेबी के डिलीवर होने से लेकर प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक का समय जो है वो थर्ड स्टेज में आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो है बेबी आउट हो गया, ठीक है, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चा बाहर निकल गया बच्चेदानी से, अब क्या है कि प्लेसेंटा है, ठीक है, प्लेसेंटा को भी बाहर निकलना होगा। तो इसके लिए लगभग आधा से एक घंटा वेट करना होता है, कभी आधे घंटे में प्लेसेंटा आउट हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है वो लगभग 15 मिनट से लेके आधे घंटे ले लें तो वो उतने टाइम में आउट हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा यूटराइन मसाज करना होता है, यानी कि जो लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे थोड़ा सा मसाज करना होता है, मेडिकेशन चलता है जिससे कि प्लेसेंटा जो है वो बाहर आसानी से आउट हो जाए, ठीक है, यूटरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहें। तो ये हमारा थर्ड स्टेज हो गया, यानी फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स फैलता है, डायलेट होता है, थिन होता है। सेकेंड स्टेज में हमारा जो है वो बेबी का डिलीवरी हुआ, ठीक है, बेबी आउट हो गया। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। फोर्थ स्टेज में क्या है कि डिलीवरी के बाद पहला एक घंटा जो है वो फोर्थ स्टेज में आता है, जिसमें वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं, जो है यूट्रेन का कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, साइज देखते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज देखते हैं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग कभी कभी नहीं रुकता है तो पोस्टपार्टम हेमरेज तो उसको भी कंट्रोल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाती हैं। एक दो घंटे तक क्लोज मॉनिटरिंग करना होता है, एकदम शांति से ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है मरीज़ को। तो इस तरीके से ये बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को मैंने समझाने का ट्राई किया है कि लेबर क्या है, इसके फेज क्या है और स्टेज क्या है। तो पहला स्टेज आप समझ गए कि 10 सेंटीमीटर जो है सर्विक्स का डायलेट होना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक। सेकेंड स्टेज में बेबी के डिलीवरी हुआ, थर्ड में प्लेसेंटा डिलीवर हुआ, फोर्थ में डिलीवरी के बाद का एक घंटा, ठीक है, क्लोज मॉनिटरिंग में रहता है, वाइटल मॉनिटर करेंगे, यूट्रस का साइज मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग देखते रहेंगे और भी चीज़ें देखते रहते हैं, ठीक है, और मेडिकेशन चलता है मरीज का साथ में। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।